नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नियो और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज सुबह उठते ही मैं आप सब लोग का कमेंट पे जा रहा था मैं, तो मुझे राजेश गिरमानी साहब वोकल का नॉइस कैसे क्लियर करें इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए सर। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी लगा लो अभी मैं ऐसे बाहर बैठा हुआ और ये कैमरा से रिकॉर्डिंग करो, मेरे पास ना एक माइक है जो गले पे लगाते हैं उसको बोलते हैं लैवलियर माइक, वो नहीं है ना मेरे पास माइक्रोफोन है कि स्पेशली मैं मेरे को फेस करके जो है उसमें फिर साउंड कार्ड में रिकॉर्ड करूँ। अभी जो भी रिकॉर्ड हो रहा है इस कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। अभी इस कैमरा का जो आवाज़ है अभी आप सुन लीजिए, मेरे पीछे बहुत सारे जो आवाज़ आ रहा है उसको क्लियर कैसे करेंगे, शायद राजेश गिरमानी साहब यही पूछ रहे हैं। कभी कभी हम लोग स्टूडियो में भी जब काम करते हैं तो कभी कभी बहुत सारे ऐसे आवाज़ आ जाते हैं, सिर्फ EQ से भी नहीं, हम और भी कुछ क्लियर कर सकते हैं कि नहीं, शायद उनका क्वेश्चन है। तो अभी सिर्फ इसी का एक सैम्पल लेके जो मैंने अभी जो आप लोगों के साथ बैठ के मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये कैमरा से, तो इसी का सैम्पल लेके मैं आपको दिखाता हूँ। एक सॉफ्टवेयर है अडोबे का, अडोबे ऑडिशन का सॉफ्टवेयर है, उसमें से हम लोग ये बैकग्राउंड का जो है थोड़ा बहुत साउंड निकाल सकते हैं। क्लैरिटी तो उतना नहीं आएगा लेकिन फिर भी नॉर्मल जो ये रहता है लेकिन उससे अच्छा खासा क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो है आज राजेश गिरमानी साहब के लिए, तो इनका जो है छोटा सा एक क्वेश्चन था, मेरे को लगता है इन्होंने पहली बार मेरे को भेजे तो मेरा आंख पे पड़ा और ये बहुत लोगों ने भी पूछा था मेरे को, तो मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। तो इसके लिए अडोबे ऑडिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें ही एक्चुअली ये जो है नॉइस रिडक्शन जो बोलते हैं एक प्लग इन है उसके अंदर, उससे ही होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो ये था जो मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग किया था, आपने देखा होगा, ये राजेश गिरमानी साहब ने हमसे पूछा था कि वोकल का नॉइज़ कैसे हम लोग क्लीन करें। तो ये बेसिकली मैंने एक एक्चुअली बाहर रिकॉर्डिंग किया, आपने देखा होगा मेरा इंट्रोडक्शन में ही कैसा था आवाज़, और हम यही कोशिश करेंगे कि इसका जो पीछे जो आवाज़ आ रहा है, जो डिस्टर्बेंस है, हम लोग इसको कैसे क्लीन कर दें। तो अभी हम खेल के देखते जो मैंने रिकॉर्डिंग किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नियो और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज सुबह उठते ही मैं सब लोग का कमेंट पे जा रहा था मैं, तो आपने देख लिया इसके पीछे बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे, ये जो मैं बात कर रहा हूँ बाहर मैं बैठ के, एक्चुअली मैं वरांदा में बैठ के बात कर रहा हूँ, पीछे मेरा बेटा थोड़ा बहुत उंगलीबाजी कर रहा है, वो सुबह सुबह उठा तो मेरे को तंग करने में लगा हुआ वो, सॉरी। तो अभी हम लोग इसमें इसको साफ कैसे करेंगे, अभी मैंने ऑलरेडी इधर अडोबे ऑडिशन खोल के रखा है मैंने, इधर मैं ऑलरेडी इसको टेस्ट कर रहा था, अभी मैं इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ और मैं वापस ये फ़ाइल जो है मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा है मैंने, ये फ़ाइल, ये जो ऑडियो फाइल है उसको मैं सीधा ऑडिशन में मैं लेके आऊँगा। तो ये है जो फ़ाइल मैंने एक्सपोर्ट किया था उसमें से, तो ऑडिशन जो है अडोबे का प्रोग्राम है, इसमें लेके आया अभी मैंने, और ये फ़ाइल ज़रा आपको खेल के दिखा देता हूँ मैं अभी, ये देखिए। तो ये डिस्टरबेंस जो आ रहा है दोस्तों ये निकालना है हमें, बाकी इधर मेरा आवाज़ जो है इधर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीजे नियो और आप, तो ये डिस्टरबेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अभी सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी ये आवाज़ पीछे आ रहा है, आपने देखा होगा मैं इतना देर मैंने बात नहीं किया और इधर भी छोटा सा एक जगह मैंने छोड़ा है जहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ जहाँ पे मेरे को डिस्टरबेंस निकालना है। तो आप देख सकते हो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नियो और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो अगर आप बाहर कहीं पे भी किसी के इंटरव्यू ले रहे हो और कहीं पे भी रिकॉर्डिंग करने के लिए जा रहे हो तो उनसे इतना बोलना कि थोड़ा स्पेस दे के बात करें, ताकि हम लोग को ये जो जगह है जहाँ पे डिस्टर्बेंस है हम लोग निकालने के लिए हमको थोड़ा चांस मिल जाए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सेलेक्ट कर रहा हूँ ये स्पेस, ठीक है जी, और ये स्पेस सेलेक्ट करने के बाद अभी मैं जाऊँगा इधर अपना जो है इफ़ेक्ट्स में और नॉइस रिडक्शन कैप्चर नॉइस प्रिंट, आपने देखा इफ़ेक्ट्स में जाके नॉइस रिडक्शन रिस्टोरेशन में जाके कैप्चर नॉइस प्रिंट मैंने दबाया था। अब इसके बाद वापस हम लोग इसमें जाएंगे, फिर कंट्रोल ए, फिर वापस हम इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, नॉइस रिडक्शन रिस्टोरेशन और नॉइस रिडक्शन प्रोसेस। तो ये देखिए, ये है हमारा जो बेसिकली जो डिस्टर्बेंस दिख रहा है हमको, जो 40 dB से ऊपर तक जा रहा है,
हमारा जो डिस्टरबेंस है, ये डेसिबल मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वॉल्यूम लेवल जो है उसका डिस्टरबेंस का। तो इसको अभी हम अप्लाई करें, इसको कुछ ना छूइए, ऐसे ही रहने दीजिए इसको और अप्लाई कर दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा इसको, तो आप देख सकते हो इधर बहुत कम हो गया इधर अभी पहले से। इसको और भी हम थोड़ा साफ़ कर देते हैं, इसको और सेलेक्ट कर लेते हैं हम, फिर वापस एक और बार इफ़ेक्ट्स, नॉइस रिडक्शन प्रोसेस, कैप्चर नॉइस प्रिंट, फिर उसके बाद वापस कंट्रोल ए, इफ़ेक्ट्स, नॉइस रिडक्शन, नॉइस रिडक्शन प्रोसेस, अप्लाई। क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा आता है इसलिए ये जो है थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए आज सुबह उठते ही मैं सब लोग का कमेंट पे जा रहा था मैं, तो मुझे तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है आवाज़ कम हो चुका है। अभी इसको मैं कंट्रोल ए में इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ और आपको मैं मेरा जो हमारा जो ओरिजिनल फाइल है उसके हिसाब से हम लोग डाल के देखेंगे। तो यह है नॉइस रिडक्शन प्रोसेस का जो है हमारा ये नंबर 2 है ये फाइल हमारा। तो इसको मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ, यस, और हम लोग वो फाइल को लेके जाएंगे। ये रहा हमारा फाइल, इसको लेके जाएंगे वापस मेरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में और इधर लगा देता हूँ इसको। अभी मैं फ़िलहाल पहले खेलता हूँ ये जो हमारा जो पहला रिकॉर्डिंग था। तो मुझे राजेश गिरमानी साहब वोकल का नॉइस कैसे क्लियर करे। तो आपने सुन लिया कितना डिस्टरबेंस है उसमें। अभी इसको बंद कर देते हैं और हमने जो अभी सफाई किया उसको खेल के देखते हैं। इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए सर, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी लगा लो, अभी मैं ऐसे बाहर बैठा हुआ और ये कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, और जहाँ पे मेरा स्पेस आ रहा है एक्चुअली हम लोग चाहे तो वो बाद में एडिटिंग भी कर सकते हैं और ज़्यादा एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके हम लोग वो जो डिस्टरबेंस जो आ रहा है वो निकाल सकते हैं और सिर्फ हमारा जो वोकल है वो रख सकते हैं हम लोग। नहीं तो एक और चीज़ हम कर सकते हैं जिसमें हम लोग कोई म्यूज़िक जो है उसको डाल दे बैकग्राउंड में, जैसे ये देखिए, ठीक है। और मैं इसको ज़रा ऑडियो में चला जाऊँ मैं, और मैं इसको जरा खेल लूँ अभी, इसको थोड़ा कम कर दो। मेरे पास ना एक माइक है जो गले पे लगाते हैं, उसको बोलते हैं लैवलियर माइक, वो नहीं है ना मेरे पास माइक्रोफोन है कि स्पेशली मैं मेरे को फेस करके जो है उस पर फिर साउंड कार्ड में रिकॉर्ड करूँ। अभी जो भी रिकॉर्ड हो रहा है इस कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। अभी इस कैमरा का जो आवाज़ है तो आपने सुन लिया दोस्तों कितना कम हुआ है। एक और बार मैं जो हमारा पहला ऑडियो फाइल था वो खेल देता हूँ, इसको म्यूट कर देता हूँ। अभी आप सुन लीजिए मेरे पीछे बहुत सारे जो आवाज़ आ रहा है उसको क्लियर कैसे करेंगे। शायद राजेश गिरमानी सुन लिया आपने, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। वापस एक और बार जो क्लीन किया वाला है वो हम लोग सुन लेते हैं। अभी सब यही पूछ रहे हैं, कभी कभी हम लोग स्टूडियो में भी जब काम करते हैं तो कभी कभी बहुत सारे ऐसे आवाज़ आते हैं, सिर्फ EQ से भी नहीं हम और भी कुछ क्लियर कर सकते। तो दोस्तों होपफुली राजेश गिरमानी साहब को ये शायद हेल्पफुल था, शायद उन्होंने ये पूछा था कि वॉइस को कैसे क्लीन करें। वॉइस का दूसरे एक वोकल प्रोसेसिंग का मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो देख सकते हैं। अगर आपने ये नहीं पूछा था दूसरे एक और वोकल प्रोसेसिंग का हमारा वीडियो है वो देख सकते हो। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, होपफुली ये किसी ना किसी को तो हेल्प किया रहेगा। तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि मैंने जो पहले का रिकॉर्डिंग था अभी मैं वापस वही जगह पे आके बैठ गया, और आप लोगों के साथ जाने से पहले मैं सोचा कि ये वापस वो आवाज़ और इस आवाज़ में क्या फ़र्क है आप देख लीजिए। ये आवाज़ को मैंने कभी भी कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो हमारे जो पहले आवाज़ था और अभी की आवाज़ में ये नेचुरल आवाज़ है जो बाहर से सब सुनाई दे रहा है, तो वो क्लीन आवाज़ था और ये हमारा नॉर्मल वॉइस है। डिस्टर्बेंस तो है पीछे सब कुछ बहुत सारे, लेकिन हमने वोकल इसमें क्लीन नहीं किया। तो जो पहला आवाज़ था आपको लग रहा होगा शायद कि थोड़ा बहुत क्लीन हुआ है। तो राजेश गिरमानी साहब आपका ये क्वेश्चन के लिए मैंने वीडियो बना दिया और शायद आपको ये हेल्प किया रहेगा और बाकी बहुत लोगों को भी हेल्प किया रहेगा। थैंक यू सो मच। अभी चलता हूँ मैं, ऐसे एक एक लोगों का मैं क्वेश्चन जो है लेके वीडियोस बनाते रहूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप लोग को मुझे सपोर्ट करना है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ, तो आप मुझे patreon.com में जाके एक छोटा सा अमाउंट देके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो मुझे क्या थोड़ा बहुत हेल्प भी मिलेगा और मुझे मज़ा भी आएगा काम करने में, ठीक है जी। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, धन्यवाद।